तो दोस्तों लेके आ गए हैं आज के ताजा ताजा टैक अपडेट्स। एक भी खबर आपसे छूटनी नहीं चाहिए। करना क्या है उसके लिए कि लास्ट तक देखिए हर दिन की तरह आज का भी टैक बुलेटिन हमारे साथ। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। बुलेटिन का सबसे पहला अपडेट उन दिल वालों के लिए जिन्हें चाइनीज प्रोडक्ट की थू और छींचा लेदर पर खुशी मिलती है। वैसे तो चाइनीज कंपनी चाइनीज प्रोडक्ट दुनिया भर में दिक्कतों का सामना कर ही रहे हैं। एक बार फिर से यूएस गवर्नमेंट ने अपने लोगों को, अपने ब्रांड्स को चेताया है कि वो चाइनीज टेक्नोलॉजी बेस्ड आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस का इस्तेमाल ना करें। ये सिक्योरिटी और सेफ्टी प्राइवेसी को लेके रिस्क हो सकता है। अब यूएस गवर्नमेंट अगर कुछ कहे तो वहां के लोग ना माने, ऐसा बहुत कम होता है। यानी कि चाइनीज कंपनियों को एक बार फिर से दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। अगर पावर बैंक की बात हो तो हर कोई मार्केट में ज्यादा कैपेसिटी का पावर बैंक ढूंढता है, लेकिन मार्केट में अच्छे ब्रांड के 20,000 एमएच से ऊपर है ही नहीं। लेकिन एंकर ने आज एक नया पावर बैंक 24,000 एमएच कैपेसिटी का लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है एंकर 737 पावर बैंक 24K, जिसकी की प्राइस है यूएस डॉलर में 149, अगर कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में तो तकरीबन 12,000 रुपए के आसपास बनती है। लेकिन इंडिया में फिलहाल अभी आया नहीं है, थोड़े समय के बाद शायद इसे इंडिया में सेल करना शुरू कर दे कंपनी। आपको बता दूं कि इसमें आपको दोनों ही साइड से, मतलब आप चाहे पावर बैंक को चार्ज करें या पावर बैंक से किसी अपने फोन या लैपटॉप को, मिलेगा 140 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो कि GaN पावर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। अब ये पावर बैंक फिलहाल एक डिस्प्ले के साथ आ रहा है जिसमें कि आपको इनपुट आउटपुट कैपेसिटी सारी चीजें शो करता रहेगा। गूगल ने दे दिया है एक नया अपडेट अपने गूगल डॉक, गूगल स्लाइड और शीट्स में। अगर यूजर इनमें करते हैं कुछ एडिट और वो एडिटिंग मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस फाइल्स के साथ में इनकम्पेटिबल है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ये अब तक नहीं होता था और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें यूजर्स को झेलनी पड़ती थी, लेकिन आने वाले दिनों में कम से कम आपको इजी अपने आप पता चल सकेगा कि जो आप एडिटिंग कर रहे हैं वो ठीक है उसके लिहाज से या नहीं। अपडेट आ रहा है कि आईक्यू Z6 Pro का एक नया अपडेटेड वर्जन कंपनी लाने जा रही है, जिसमें कि आपको इंप्रूव्ड चार्जिंग कैपेसिटी मिल पाएगी। अब आपको बता दूं कि जब इनिशियली जो फोन लॉन्च हुआ था उसमें 66 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया था, लेकिन जो अपडेट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक अब आने वाले नए आईक्यू Z6 Pro 5G में मिलेगी 5000 एमएच की बैटरी, जिसको कि आप 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ चार्ज कर पाएंगे। साथ ही साथ इस फोन के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर कंपनी देगी। बाकी दोस्तों कब तक इस वर्जन को कंपनी लेके आती है इसके लिए इंतजार करते हैं। नथिंग का फोन बंद तो आपको याद ही होगा, जिसने मार्केट में तहलका मचा दिया था, लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत सारी खामियां दिक्कतें सामने आ रही हैं। यूजर्स का कहना है कि कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट में जो दावा किया था डिस्प्ले को लेके कि उसमें 1200 निट्स की ब्राइटनेस है, वैसा नहीं है। सिर्फ यूजर्स को 900-800 निट्स ब्राइटनेस ही मिल पा रही है। अब नथिंग के जब बात समझ में आई तो उसने दावा किया है कि वो जल्द ही एक अपडेट देगा जिससे कि यूजर्स को जो दावा की हुई ब्राइटनेस है वो मिल पाएगी। फिलहाल अपडेट पर काम चल रहा है, जैसे कुछ पता चलेगा आपको हम बताएंगे। मेहनत मशक्कत करने वाले लोगों के लिए तो रग फोन ही बेस्ट होते हैं। गिर जाए लुढ़क जाए कोई सिर का दर्द नहीं, ऐसा ही एक नया फोन आ गया है मार्केट में, यूलीफोन आर्बर 15, जो कि यूएस मार्केट में आज लॉन्च हुआ है। लेकिन एक और कमाल की बात है इस यूलीफोन आर्बर 15 की कि इसमें आपको इनबिल्ट ईयरबड्स मिल रहे हैं जो कि ट्रू वायरलेस स्टीरियो है। यानी कि फोन के अंदर ही केस है, ऊपर की तरफ आप उसे लगा दीजिए, उसमें चार्ज भी उतरेंगे और आप इजिली जब भी यूज करना चाहें तो आपको अलग से जरूरत नहीं है, बस निकालिए ईयरबड और यूज कर डालिए। 6600 एमएच की बैटरी के साथ में एंड्रॉइड 12 फोन के अंदर दिया है। मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर पर फोन काम भी कर रहा है। फोन काफी दमदार है। आपको बता दूं वैसे यूएस के अंदर जो प्राइस है उसको अगर कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में 13,500 के आसपास इसकी प्राइस बैठती है। अब तक र्यूमर था कि वीवो लेके आएगी नेक्स्ट फोल्डेबल फोन जिसका नाम होगा एक्स फोल्ड एस, लेकिन नए र्यूमर सजेस्ट कर रहे हैं कि एस के बजाय कंपनी एक्स फोल्ड का ही एक इंप्रूव्ड वर्जन किसी और नाम से ला सकती है। नाम अभी कंफर्म नहीं हुआ है तो ज्यादा चर्चा करना बेकार है। आपको बता दूं अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें आपको मिलेगा 50 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट। वैसे एक और भी अपडेट आ रहा है कि इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 चिपसेट मिलेगा और साथ में
वीवो कर रहा है सैमसंग के जेड फ्लिप सीरीज की टक्कर का एक नया फोन तैयार, जो कि फ्लिप फोन होगा, और वो कब तक आएगा इसके लिए दोस्तों इंतजार करना पड़ेगा। और लास्ट अपडेट भी वीवो से ही है, क्योंकि वीवो ने एक बजट फोन चाइनीज मार्केट में आज उतार दिया है। प्राइस है 20,000 रुपए इंडियन करेंसी में। फोन है Y77E 5G, जिसमें की डायमेंसिटी 810 चिपसेट, 5000 mAh की बैटरी, ट्रिपल कलर ऑप्शंस में आपको ये फोन मिल सकेगा। मतलब इंडियन यूजर्स के लिए नहीं, चाइना में, इंडिया में हो सकता है कंपनी इसको रीब्रांड करके लेके आए या ना भी लाए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी दोस्तों ये थे आज के अपडेट, कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है दोस्तों। कितना वक्त हो गया वीडियोस बनाते हुए, लेकिन वो कामयाबी शायद नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? उम्मीद है एक दिन जरूर मिलेगी आप सबके सपोर्ट के साथ में। तो दोस्तों वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े दी चैनल साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।